अगर आप पिक्सल ऐप इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपकी पसंद के फॉन्ट्स उसमें अवेलेबल नहीं हैं, चाहे वो उर्दू के हों चाहे वो इंग्लिश के हों, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उनको इस्तेमाल करें किसी तरह ऐड करें, तो जी हाँ ये मुमकिन है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह से आप अपनी पसंद के उर्दू के और इंग्लिश के जितने मर्जी फॉन्ट ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो हेलो गाइज, माय नेम इज शाहरुख एंड यू आर वाचिंग मुसब्रो फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो एक चीज़ तो मस्ट है कि फॉन्ट ऐड करने के लिए हमें फॉन्ट पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर फॉन्ट डाउनलोड नहीं किया हुआ तो। एग्जांपल के तौर पे मैं जमील नूरी का उर्दू फॉन्ट डाउनलोड करता हूँ, तो ये पहली दूसरी तीसरी कोई भी आप वेबसाइट ओपन कर ले, मैं पहली ओपन करता हूँ उर्दू फॉन्ट वाली, तो ये लिखा हुआ है भाई डाउनलोड, तो इस पर क्लिक करते हैं तो अब थोड़ी सी देर में ये कुछ सेकेंड्स में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पहले मैंने डाउनलोड किया हुआ है, फिर से पूछ रहे हैं, तो चलो ये डाउनलोडिंग पे लगा दिया। अब चलते हैं पिक्सल ऐप की तरफ, वहाँ पे आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक हो गया, तो भाई पिक्सल ऐप ओपन हो चुकी है। ये सामने मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वो असल उर्दू फॉन्ट नहीं है, यानी कि जो आप चाहते हैं ये जमील नूरी वाला नहीं है, तो इसको हम वो बनाते हैं। तो इस पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर ये फॉन्ट लिखा हुआ है, इस पर आना है आपने। तो इसके बाद ये माई फॉन्ट्स ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं सर्कल कर देता हूँ, ये माई फॉन्ट पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद ये प्लस का आइकन बना हुआ है टी वाला, या फिर ये इनमें से किसी पे भी क्लिक कर दें, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से आपने वो फोल्डर ढूंढना है जहाँ पे वो फाइल आपने डाउनलोड की है, अगर वो आपको ना मिले तो उसको कॉपी करके कोई न्यू फोल्डर बना के उसमें रख लें। तो यहाँ पे एक फॉन्ट का फोल्डर है, इसमें वो पड़ी हुई है जो मैंने डाउनलोड किए थे, ये फॉन्ट्स हो गए, ये सारे इंग्लिश उर्दू के फॉन्ट्स पड़े हैं, तो ये मैंने इसको मार्क कर लिया जमील नूरी को और ये ऐड कर लिया। तो अब ये ऐड पहले से भी हो चुका है, ये देख लें ऐड पहले भी है। ठीक है, अब ओके करूँगा तो फिर से ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया, तो मैं अब आपको वैसे दिखाता हूँ, ये ऊपर टेक्स्ट आप देख रहे हैं सेलेक्ट हुआ है, तो मैं ये इस पर क्लिक करता हूँ जमील नूरी वाले टेक्स्ट पे फॉन्ट पे, तो ये देख लें, ये देख लें भाई हो गया ना चेंज। तो ये सारा काम था, कितना आसान था काम। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और भाई एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।